भारत के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें आज भी अभिमान है और उन्हीं घटनाओं में से दो महत्वपूर्ण घटनाएं यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य स्थापना और इसी स्वराज्य को साम्राज्य बनाने का पेशवाओं का प्रयत्न। आज हम इसी इतिहास की गवाह रहे हुए शनिवार वाड़ा इस धरोहर के बारे में जानने वाले हैं। इस किले का सबसे प्रमुख द्वार है जो महाराष्ट्र की उत्तर दिशा में स्थित दिल्ली की तरफ खुलता है, इसलिए इसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। यह इतना ऊंचा और चौड़ा है कि पालकी सहित हाथी आराम से आ जा सकते हैं। हमले के वक्त हाथियों से बचने के लिए इस द्वार के दोनों पलड़ों में 12 इंच लंबे 72 नुकीले कील लगे हुए हैं जो कि हाथी के माथे तक की ऊंचाई पर है। दरवाजे के दाहिने पलड़े में एक छोटा सा द्वार है जो कि सैनिकों के आने जाने के काम आता था। शनिवार वाड़ा किले की नींव पेशवा बाजीराव प्रथम इन्होंने 10 जनवरी 1730 शनिवार के दिन रखी थी और उसके दो साल बाद सन 1732 में किले का उद्घाटन किया गया। यह किले का निर्माण 6 एकड़ की जमीन पर किया गया था और इसे बनाने के लिए 16,120 रुपए की राशि उस समय खर्च हुई। यहाँ पर पहले 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी जिसमें पेशवाओं के साथ साथ उनके नजदीकी रिश्तेदार और विश्वासु सिपाहियों के रहने का इंतजाम हुआ करता था, लेकिन सन 1791, 1812 और 1828 में लगी आग के कारण यहाँ की सभी इमारतें जलकर खाक हो गई, लेकिन सिर्फ दिल्ली दरवाजे के ऊपर का नगार खाना अलग होने के कारण आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। शनिवार वाड़ा की उत्तर दिशा में स्थित इस दरवाजे को गणेश दरवाजा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा पति रंग महल में हुआ करता था और इस जगह पे 25 सैनिक तैनात रहते थे। जामुन के पेड़ के नीचे इस दरवाजे को बनाया गया था, इसलिए इसे जामुन दरवाजा कहते हैं और नारायण राव पेशवा की हत्या इसी दरवाजे के आसपास हुई थी, इसीलिए इसे नारायण दरवाजा भी कहा जाता है। ईस्वी सन 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद प्रथम बाजीराव पेशवा पद पर विराजमान हुए। उन्होंने 20 वर्ष तक यह साम्राज्य संभाला। इसमें बहुत सारी लड़ाइयां की, हर बार वे अजिंक्य रहे। उन्होंने निजाम को 3 बार हराया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर के अटक शहर तक फैला दिया था जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। उसके बाद पानीपत के युद्ध में 1.5 लाख मराठा मारे गए। इस पराभव के बाद माधवराव पेशवा राजगद्दी पर विराजमान हुए जिन्होंने इस युद्ध की वजह से हुई हानि को भर दिया। उनके बाद नारायणराव पेशवा मराठाओं के पंतप्रधान बने, लेकिन उम्र के 18वें साल में ही शनिवार वाड़ा में उनकी हत्या की गई और उनके बाद सवाई माधवराव ने साम्राज्य संभाला। लेकिन 19वीं सदी में शनिवार वाड़ा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और अंग्रेजों ने इस वास्तु का इस्तेमाल कारागृह, अस्पताल और के तौर पर किया। इस तरह हमेशा विजयी झंडे का स्वागत करने वाला दिल्ली दरवाजा मराठाओं के शौर्य, पराक्रम, युद्ध नीति का गवाह गणेश महल इस वास्तु की ही पहचान है। पानीपत के युद्ध में हुई जीवित हानि के बाद भी डटकर खड़ा रहने वाला मराठा साम्राज्य, बाजीराव का पराक्रम, माधवराव का कर्तृत्व और रमाबाई का माधवराव के प्रति प्यार, ऐसी अनेक बातों को यहाँ का हर एक महल, बुरुज, दरवाजा अपने अंदर समाये आज भी खड़ा है और इसीलिए हमें अपने इतिहास के प्रति हमेशा अभिमान है।